हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन नीपा की। सो डीम टू बी यूनिवर्सिटी है एंड इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर PhD, उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है जो कि है NIEPA.ac.in। जैसे ही आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट करेंगे या वेब पेज पर विजिट करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन, ये देखिए सेक्शन है इंपॉर्टेंट अलर्ट्स का, इसमें देखने को मिलेगा। सो PhD एडमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो चलिए देखते हैं। सो क्लिक करने के बाद देखिए ये है वेब पेज जो ओपन होगा एंड इसमें आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए नेक्स्ट है प्रॉस्पेक्टस, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में, एंड यहाँ पे लॉन्ग एडमिशन नोटिस भी है। तो चलिए एक बार नोटिस देख लेते हैं फिर हम प्रॉस्पेक्टस देखेंगे। सो यस, ये है एडमिशन नोटिस फुल टाइम पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम के लिए। जैसा मैंने पहले बताया, डीम टू बी यूनिवर्सिटी है एंड फुल्ली फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, दिल्ली में है एंड इट ऑफर्स फुल टाइम एंड पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम इन ऑल एरिया ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसी प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, इनसे रिलेटेड जितने भी एरियाज़ वगैरह हैं, उन सभी में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ PhD होती है, ठीक है। एंड बाकी जो पॉइंट्स हैं ना, उन्हें भी आप देख लीजिएगा, बेसिक इंट्रोडक्शन है इनके बारे में, राइट। एंड एक ग्रेड इन्हें मिला हुआ है NAAC की तरफ से। नेक्स्ट क्राइटेरिया, सो फुल टाइम PhD अगर आप करना चाहते हैं तो आपने किया हो मास्टर्स, तो स्ट्रक्चर जो है वो 1+4 या 4+1 रहा हो या 8+2, या फिर आपका जो स्ट्रक्चर है वो 3+2, दैट इज 3 bachelors 2 masters या 4 bachelors 1 masters, ये लिखा हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर के साथ अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली सोशल साइंसेज एंड जो रिलेटेड डिसिप्लिन होते हैं उसमें हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्स चाहिए 55% ही, राइट, या कोई और इक्विवेलेंट डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हैं। 5% रिलैक्सेशन यहाँ मिलेगा SC ST OBC NCL डिफरेंटली एबल्ड एंड इकोनॉमिकली जो भी वीकर सेक्शन हैं उन्हें, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे MPhil जिन्होंने किया है उनके लिए, उससे पहले ये देखिए जिन्होंने बैचलर्स किया है 75% मार्क्स एंड डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट MPhil से रिलेटेड, सो MPhil किया है 55% मार्क्स हैं तो आप भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एंड 5% का रिलैक्सेशन यहाँ भी है सब सेम कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए। वो कैंडिडेट जो भी फाइनल एग्ज़ाम लाइक फाइनल लेवल पे हैं, उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है बट हाँ हो जाएगा बहुत ही जल्द, तो उस केस में क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, बट बाद में आपको प्रूफ ज़रूर देना होगा एट द टाइम ऑफ फाइनल एडमिशन, ठीक है। तो डेट वगैरह कुछ दी जा रही है, तब तक आपको सबमिट भी करनी होती है मार्कशीट, ओके। नाउ वो कैंडिडेट जिन्होंने क्वालिफाई किया है नेट एंड उन्हें JRF मिला है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बेसिकली JRF भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ पार्ट टाइम PhD, सो पार्ट टाइम मोड से अगर PhD करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। NOC यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा एंड ये तीन बातें क्लियरली उसमें मेंशन होनी चाहिए, ओके। नाउ वन ईयर का फुल टाइम आपको पता है कोर्स वर्क होता है, तो ये सभी के लिए होता है, तो एक साल का कोर्स वर्क सभी को करना होगा। तो अगर आप पार्ट टाइम PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो याद रखिएगा एक साल वहाँ पे कोर्स वर्क करना होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन, सो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद रिटर्न होगा 8 जून को, राइट। उसे क्वालिफाई करेंगे तो पर्सनल इंटरव्यू होगा। सो 70-30 का वेटेज रहेगा, 70% एंट्रेंस एंड 30% इंटरव्यू। नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई, सो यहाँ लिंक भी आपको दिख रही है, बाकी आपने वेबसाइट पे भी देखा, उस लिंक के थ्रू यू कैन अप्लाई। जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है 800, SC ST PWD एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए है 400, राइट। लास्ट डेट है 15th of May, तो 15 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट ऑलरेडी हैं, लास्ट डेट 15th है, रिटर्न 8 जून को होगा, 8th of June, इंटरव्यू 13-14 जून को होगा एंड बाकी उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, राइट। कोई भी अगर क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप इन्हें इस ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। सो ये रहा प्रॉस्पेक्टस, ठीक है, 27 पेजेस का है। आप इस यूनिवर्सिटी का एड्रेस देख सकते हैं, ठीक है, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट कुछ मैसेजेस वगैरह हैं, फिर यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट्स है, तो यहाँ सीट एंड एलिजिबिलिटी वगैरह है, तो चलिए हम सबसे पहले यही देखेंगे। सो पेज 2-3 एंड देन फर्दर जो भी है, सो पेज 2 पे चलते हैं पहले।
एक्चुअली आई कैन से 0.2 पेज 2 नहीं है ये. सो यहाँ पे देखिए एजुकेशनल पॉलिसी प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के जो ब्रॉडर एरियाज है उनमें यहाँ पे PhD करवाई जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ पॉइंट वाइज देख सकते हैं. सो ये मेन थीम्स हो गए, पॉलिसी प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस. देन यहाँ ब्रॉड एरियाज क्या क्या हैं रिसर्च के वो आप देख सकते हैं. ठीक है, तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा. एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी फील्ड में रिसर्च करना है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है सीट्स एंड एलिजिबिलिटी. तो देखिए मैक्सिमम 25 स्कॉलर्स को सेलेक्ट किया जाएगा. सो मैक्सिमम सीट्स 25 हैं, कम भी सिलेक्शंस हो सकते हैं बट 25 से ज़्यादा नहीं होंगे. तो यस, इतनी ही सीट्स हैं. फुल टाइम PhD के लिए रिक्वायरमेंट्स हमने ऑलरेडी देखी हुई है, सिलेक्शन वगैरह का प्रोसेस डिस्कस कर लिया है. एंट्रेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा. चेकलिस्ट है यहाँ पे. ठीक है, तो ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू बी सेंट विद एप्लीकेशन फॉर्म. सो इट सीम्स कि आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सेंड भी करना है. तो यस, यहाँ पे देख लीजिएगा ये डॉक्यूमेंट्स. एंड बाद में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं ना इंटरव्यू के लिए तो आपको SOP के 3 प्रिंटेड कॉपीज़ लेकर के जाना होगा एंड सारे डॉक्यूमेंट्स भी ले जाएगा, एक दो कॉपीज़. ठीक है, SOP जो बनाएंगे, देखिए रिसर्च आइडिया बेसिकली उसमें मेंशन करना होता है. यहाँ पे आउटलाइन भी दी हुई है तो आप इसी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, टाइटल, आइडिया, क्वेश्चंस, रिव्यू, रेफरेंसेस. नेक्स्ट यहाँ पे है रिटन एंड इंटरव्यू. सो बता दिया आपको रिटन इंटरव्यू होगा. एंट्रेंस में 50% क्वेश्चन रिसर्च के होंगे, 50% आपके जो भी सब्जेक्ट के हैं मेनली सोशल साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके होंगे. ड्यूरेशन 3 to 6 ईयर्स का होता है एंड बाकी आप यहाँ पे डिफरेंट जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो देख सकते हैं. फीस एंड फेलोशिप की बात करें तो फीस देख सकते हैं, टोटल है 17,000. ओके, सो अलग अलग एक्चुअली. देन एनुअल प्रोग्राम फी है, फिर थीसिस सबमिशन की जो फी है वो 4,000 होती है, एक्सेट्रा. नेक्स्ट यहाँ फेलोशिप है. सो जो वो कैंडिडेट जिनका एडमिशन होगा फुल टाइम PhD प्रोग्राम में तो उन्हें यहाँ पे फेलोशिप मिलेगी. नेक्स्ट कैंडिडेट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है नेट विद JRF तो उन्हें भी मिलेगी. लिखा हुआ है दैट द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड द नेट एग्जाम विद JRF अवॉर्डेड बाय द UGC विल ड्रॉ द सेम थ्रू द NEPA एज पर द नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स लेड डाउन बाय द UGC. तो मिलेगी, मतलब JRF है तो भी मिलेगा ऑब्वियसली आपको. एंड अगर आप नहीं है JRF तो भी इट सीम्स मिलेगा. क्लियरली अमाउंट तो आई डोंट थिंक इन्होंने बताया हुआ है, बाकी जो भी आपकी प्रोग्रेस होगी उसके बेसिस पे कंटिन्यूएशन होगा, बट हाँ पहले तो मिलेगी ये तो श्योर है. एंड पार्ट टाइम कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगी. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पार्ट्स हैं, सब जगह सेम होता है. पहले कोर्स वर्क होता है, उसे क्वालिफाई करते हैं, तो फिर फाइनल आपका सिनॉप्सिस होता है, उसके बाद आपका वर्क आप कर सकते हैं. देन ये कोर्स वर्क का पूरा सेमेस्टर वाइज लाइक क्रेडिट्स एंड सब्जेक्ट्स थीम्स वगैरह हैं तो आप इसे देख सकते हैं क्या क्या पढ़ना होगा आपको. नेक्स्ट यहाँ पे इवैल्यूएशन के बारे में है, फिर गवर्नेंस, देन यहाँ हेल्पलाइन है, कोई भी इशू है तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं. डॉक्टरल प्रोग्राम कमिटी के बारे में है. देन यहाँ पे बस यही कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, तो देख लीजिएगा एक बार एंड अगर कोई इशू है तो बता दीजिएगा. अमाउंट नहीं लिखा है तो आई कैंट से कि कितनी फेलोशिप मिलेगी, बट हाँ लिखा तो है कि फेलोशिप मिलेगी, राइट. सो फिलहाल ये था आज का वीडियो. हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर इन्फॉर्मेशंस. एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.